नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते यह है पंजाब जीके दी सुपर क्लास। इस बिच आप शुरू तो लैके पंजाब जीके रिलेटेड जिवें भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं वह सारे कवर करांगे। एंड वीडियो में तुहानू थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मतलब कि अच्छे तरह स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि यह हैंडराइट मैं PDF क्रिएट की हुई है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जो तुम बाय करना चाहो मैच 44 रुपीज़ में इसको बाय कर सकते हो। एंड जो कोई दिक्कत आती है इसमें बाय करने में तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। तो हूँ आप अज की क्लास स्टार्ट कर लेने। सब तो नंबर एक नंबर क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब का नाम डैश के सुमेल नाल बनया है। सबनों पता है पंज प्लस आब के सुमेल नाल पंजाब बनया है। पंज का मतलब की होंदा है, पंज अते प्लस आब का मतलब की होंदा है, पानी, मतलब कि पंज पानियां दा धरती नूं पंजाब कहा जाता है। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब नूं बढ़ाउण वाली पंज नदियां दे नाम दसो, तां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब ते जहलम। इन्हां दे सारे दायरे विच, इन्हां दे एरिए विच, इन्हां नदियां दे एरिए विच आउण वाली धरती नूं पंजाब दे नाम नाल जाणिया जांदा है। आई नो दोस्तों तुहानूं थोड़ा जिहा दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो रहा है, बट मैं जो भी बोल रहा उसनूं तुसीं राइट डाउन करते रहो, अपनी नोटबुक उत्ते नोट्स जरूर बनाउंदे रहो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, पंजाब दा वैदिक नाम की सी? वैदिक काल दौरान पंजाब का वैदिक नाम सप्त सिंधु के नाम नाल पंजाब नूं जाणिया जांदा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, रामायण महाभारत ते महापुराण के समय पंजाब का नाम पंचनंद अते ब्रह्मवर्ता के नाम नाल पंजाब नूं जाणिया जांदा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, जदों भारत विच ग्रीक लोग आए सन उस टाइम पंजाब का नाम की सी? पेंटापुटामिया उस टाइम पंजाब का नाम सी। चीनी यात्री ह्यून सांग जदों भारत आया सी तां उसने पंजाब का नाम की सी उस टाइम? तो उस टाइम सिकाई दे नाम नाल पंजाब नूं उसने अपने चीन विच जाके वर्णन किया सी कि एक सिकाई नाम का एरिया है जो काफ़ी उपजाऊ किस्म की धरती का मालिक है। तो जदों चीनी यात्री ह्यून सांग भारत विच आया तो उसने पंजाब का एरिया देखा, उसने अपनी बुक विच वर्णन किया कि सिकाई नामक का एरिया है, पंजाब नूं सिकाई कह के बुलाया सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, मुगल एंड महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब का नाम की सी? मतलब यह उदों की गल हो रही जो भारत में मुगलों का राज सी, तां उस टाइम पंजाब का नाम इन्होंने सूबा ए लाहौर रख्या होया सी। दोस्तों इत्थे तक गल उस पंजाब की हो रही है जो ये डिवाइड नहीं होया सी, मतलब पाकिस्तान भी इनकलूड से पंजाब से, हरियाणा भी इनकलूड से, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी इनकलूड से, उस टाइम सारा एक पंजाब से। इस तो बाद जिमें जिमें आप अगे बढ़ा पंजाब के पार्ट्स होंगे रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स पंजाबों निकल दिया रहनगियां। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, जदों तुर्की लोग भारत आए तो उस टाइम पंजाब का नाम पंजाब रख्या से, उदों तो हूँ तक पंजाब के नाम में कोई चेंजस नहीं हुए, जदों भी पंजाब से जदों तुर्क के लोग आए तो अज भी आप पंजाब के नाम नाल ही पंजाब नूं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, वैदिक काल दौरान पंजाब की सीमावां सी वह कित्थे तक फैलिया हुई सी? मतलब सिंधु नदी सी अते सरस्वती नदी सी, इन्हां दे विचकार दे एरिए नूं मतलब कि पंजाब कहा जाता सी। जो सिंधु नदी है उस बॉर्डर तक पंजाब घिरिया हुआ सी, सरस्वती नदी के अंडर तक आता सी। इतने मैप के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता, आई होप तुम्हें समझ आ जाएगा, बट जिवें ही तुम PDF यह सारा सिस्टम देखोगे तो तुम्हें ईजीली पूरा यह गल ध्यान में आ जाएगी कि समझाने की कोशिश हो रही है। इस तो सब तो उपर वाली लाइन तुम देख सकते हो, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर तो तिब्बत, यह जी लाइन है यह इंदू रिवर है, जिहड़ी आपां पंजाबी विच सिंधु नदी के नाम नाल जानदे आ, इह इंदूस रिवर है। यह तिब्बत तो निकलती है जम्मू कश्मीर तो हुंदी हुई पाकिस्तान विच चली जाती है। तो उपर दी साइड तो जिहड़ी इंदूस रिवर है इस दे अंदरला हिस्सा सी पंजाब विच, ते नीचे दी साइड चो देखांगे आपां सतलुज पाकिस्तान विच जिहड़ी जाके मिल रही है डायरैक्टली, इत्थों तक इस दे विचाले दा एरिया अपने पंजाब विच इनकलूड सी। हुण सतलुज ते सिंधु नदी के विचकार दी जिहड़ी जहलम नदी जाती है, एक तां उस नाल जिहड़ी अटैच हुंदी है वह चिनाब नदी है, तो उस नाल जिहड़ी जुड़ती है वह रावी नदी है, तो अगे जाके ये सतलुज रिवर विच मिल जाती है। इस तो इलावा एक सहायक नदी ब्यास नदी भी है जिहड़ी वह सब तो पहला सतलुज नाल मिलती है, तो इकट्ठी होकर अगे जाके पाकिस्तान वल चली जाती ने। आई होप दोस्तों ये मैप तुहानू समझ च आ गया होगा, जे समझ च आ गया है तो वीडियो में मैंने यस लिख के कमेंट जरूर कर दिओ। एंड इस तो बाद गल करिए, मौरिया अते कुशाण वंश के दौरान पंजाब दीयां सीमावां कित्थों तक फैलियां होईयां सन? हिंदूकश ते टक्सिला तक जिहड़ी हाँ अपने पंजाब दीयां सीमावां
ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1901 ਵਿੱਚ ਲੋਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1901 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੇ? ਉਸਨੇ ਇੰਦੂਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਦੂਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ 2021 ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ 1911 ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ 2021 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1911 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1911 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1911 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1911 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1911 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ 1947 ਦੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ 1947 ਪੰਜਾਬ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ 60% ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 32% ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 13 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਵਿੱਚ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 8 ਰਾਜ ਸਨ ਉਹ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਲਸੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਾਨਾਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
तो नीचे पैपसू की फुल फॉर्म भी थोड़े तो पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो याद रखियो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैपसू। तो हुण पैपसू का तो निर्माण हो गया सी, मतलब पैपसू का गठन महाराजा ने कर दिया सी, अठ स्टेटा के जिहड़े महाराजा की एक पार्टी बन गई सी। तो 20 अगस्त 1948 पंजाब ने एक ऑफिशियल गौरमेंट बनाई, पंजाब ने मतलब इंडिया तो अलग एक ऑफिशियल गौरमेंट बनाई। उस समय पंजाब के पहले CM सी जो ज्ञान सिंह रेलेवाला सी, ते जिहड़ा गवर्नर सी पहला पैपसू का गवर्नर जां राज प्रमुख की गल करिए महाराजा यादविंदर सी। पॉइंट यह नोट कर लो, एग्जाम में जरूर तुहाडे तो पूछा जाएगा कि पैपसू का राज प्रबंधक कौन सी, यानी राज प्रमुख कौन सी, तो महाराजा यादविंदर सी। ते पैपसू का जिहड़ा फस्ट CM सी वह ज्ञान सिंह रेलेवाल सी, पर इन्ह की सरकार ज़्यादा टाइम नहीं टिकी। इस तो बाद 20 जून 1951 पंजाब के प्रेजिडेंट पर यह सरकार ज़्यादा टाइम नहीं टिकी, 3-4 साल के अंदर अंदर यह खत्म हो गई। पहली बार 20 जून 1951 पंजाब के प्रेजिडेंट रूल लगाया गया। भारत में सब तो पहला जिहड़ा प्रेजिडेंट रूल लग्या सी वह पंजाब स्टेट पर लग्या सी, एंड सब तो ज़्यादा वार किहड़ा स्टेट पर लग्या वह भी पंजाब पर ही प्रेजिडेंट रूल लग्या है। तो एग्जाम में काफ़ी बार इस बारे भी पूछ लिया जाता है। हुण 1947 तो बाद जिवें जिवें आपां अगे 2021 वल भज्जे जा रहे हैं तो रस्ते 1966 भी आउंदा है। 1966 की होया सी, पंजाब ए सूबा मूवमेंट उठी सी, पंजाब नूं 3 हिस्सों में बंड दिता गया सी। इस नीचे मैप विच तुसीं देख सकते हो पहला यह सारा पंजाब सी, जिहड़े ये 3 पत्ते जो तुहानूं दिख रहे हैं। तो इस तो बाद मूवमेंट उठी सी 1966 की होया सी, हिमाचल अलग हो गया, हरियाणा बन गया, पंजाब चो ही निकले ने हिमाचल का कुछ एरिया जिहड़ा वो पंजाब विचों निकला है, तो हरियाणा तो पूरा ही हरियाणा पंजाब विचों निकला है। हुण एग्जाम विच तुहानूं क्वेश्चन किवें पुट हो सकता है कि जिहड़ा अजोका पंजाब है उसका निर्माण, पंजाब स्टेट का निर्माण कदों होया सी, तो 1966, हिमाचल प्रदेश का निर्माण कदों होया सी यह भी 1966, तो हरियाणा स्टेट का निर्माण कदों होया सी 1966। हुण देख लो आपां वीडियो दे शुरू विच पढ़िया सी कि पाकिस्तान भी इनकलूड सी पंजाब विच, दिल्ली भी इनकलूड सी, तां किन्ना वड्डा पंजाब सी। तां हुण वंडे गए और पार्ट्स हुंदे रहे, हां स्टेट्स बणदी रही, पाकिस्तान अलग चला गया, हिमाचल अलग चला गया, हरियाणा अलग चला गया, तो पंजाब अपना यह छोटा जिहा पंजाब रह गया। इसनूं हुण 3 भागां विच इन्हां ने बंड दिता सी। इस तों बाद सिर्फ अपना जिहड़ा यह पंजाब रह गया, 3 हिस्से बंड होण तों बाद इस दी गल करांगे। तो दोस्तों मूवी सुक गया बोलदे बोलदे, पर तुसीं वीडियो नूं लाइक नहीं किया, देख लो जे लाइक नहीं किया तां प्लीज़ लाइक कर दो, ते एक कुछ भी कमेंट कर दो, पंजाब जिंदाबाद जां पंजाब लव यू पंजाब, इस तरह का कोई भी कमेंट तुसीं वीडियो विच जरूर कर दिया करो, तां जो वीडियो दा ऑडियंस रिटेंशन वधिया बन सके। तो इस तो बाद गल करिए 2021 के पंजाब की, इस बीच जिमें कि तुहानूं मैं ऑलरेडी दस दिता है कि 25 डिवीज़न ने 23 डिस्ट्रिक्ट ने। यह तुहाडे सामने अपने 2021 के पंजाब का मैप है। एक नंबर पर आप गल करिए जलंधर, यह डिवीज़न अलग सब तो बड़ी डिवीज़न बारे पूछ लिया जाए तो एग्जाम में जलंधर, याद रखो जलंधर सब तो बड़ी पंजाब की डिवीज़न है, जिस विच किहड़े किहड़े जिले आउंदे ने, पठानकोट आउंदा है, गुरदासपुर आउंदा है, अमृतसर आउंदा है, तरन तारण आउंदा है, तो जलंधर होशियारपुर, यह जिहड़े 6 जिले है जलंधर डिवीज़न विच आउंदे ने। इस तों बाद सैकेंड डिवीज़न की गल करिए रोपड़ है, जे सब तो छोटी पंजाब की डिवीज़न बारे पूछ लिया गया एग्जाम में, तो तुसीं याद रखना है कि रोपड़ है जिहड़ी पंजाब की सब तो छोटी डिवीज़न है। तो रोपड़ विच किहड़े किहड़े जिले आउंदे ने, नवांशहर आउंदा, शहीद भगत सिंह नगर आउंदा, तो मोहाली जिहड़े पंजाब के ये डिस्ट्रिक्ट आउंदे ने, रोपड़ के रोपड़ डिवीज़न के अंदर आउंदे ने। इस तों बाद गल करिए पटियाला डिवीज़न की, पटियाला डिवीज़न विच लुधियाणा आउंदा है, फतेहगढ़ साहिब आउंदा है, पटियाला आउंदा है, संगरूर, बरनाला ते मलेरकोटला, यह सारी डिस्ट्रिक्ट आउंदियां। ते फोर्थ नंबर की गल करिए फरीदकोट डिवीज़न की, जिहड़े अपने 4th नंबर की डिवीज़न है, इस विच फरीदकोट, बठिंडा ते मानसा एरिया आउंदा है। ते इस तों अलावा फिरोजपुर डिवीज़न की गल करिए, फिरोजपुर विच फिरोजपुर, मोगा, मुक्तसर ते फाजिलका, यह 4 डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के अंडर आउंदे ने। दोस्तों उम्मीद है तुम्हें यह सारा कुछ समझ आ रहा है। जे तुसी इस PDF फाइल में बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, सिर्फ 44 रुपीज़ भी तुसी इसनों बाय कर सकते हो। एंड जो कोई दिक्कत आती इसनों बाय करने में, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में खरीद सकते हो। तो हुण आपां गल कर लईए 23rd डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा पंजाब दा बनया हो मलेरकोटला बनया है, यह कित्थे बनया दोस्तों, पटियाला डिवीज़न के अंडर बनया है। यह सारी तुसी देख सकते हो मैप है, पटियाला डिवीज़न का मैप है,
ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 23ਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਯਾਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਯਾਨੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਸਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਹਿਮਾਲਿਆ ਐਂਡ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਪਲੇਨਸ। ਪਲੇਨਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਲੇਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਐਂਡ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੜਥ ਹੈ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੈਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੌਰਥ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੌਰਥ ਪਾਰਟ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਰਥ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟ, ਵਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਸਟ ਹੈ, BI ਮਤਲਬ ਬਿਆਸ, ST ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜਹਿਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਹਿਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਯਾਨੀ ਇੰਦੂਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
इस तों इलावा एक इंपोर्टेंट पॉइंट नूं तुसीं नोट कर लो, वारी इज़ द मोस्ट फर्टाइल उपज लई माझा एरिया सब तों ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि वारी एरिया जिहड़ा उह माझे दा एरिया है ते जिहड़ी ओके भूमि है खेती योग भूमि है उत्थे सब तों बेस्ट किस्म की मिट्टी पाई जाती है। एंड इस तों बाद मालवा एरिया की गल करिए, जिहड़ा सतलुज ते घग्गर नदी के विचकारले एरिए नूं आपां मालवा के नाम नाल जाणदे हां। इस तों बाद बांगर की गल करिए, जिहड़ा राजस्थान हरियाणा विच चला गया बांगर, हरियाणवी एरिए नूं आपां बांगर के नाम नाल जाणदे हां। ते इह एरिया कित्थे है, घग्गर अते यमुना नदी के विचकार दे एरिए नूं बांगर यानी हरियाणा के नाम नाल आपां जाणदे हां। इस तों बाद आपां गल कर लैणी है, जो भारत विच लोधी वंश का संस्थापन हो गया सी, लोधी वंश आ गया सी, उस टाइम पंजाब दे की हालात सी, बट एक बार आपां देख लैणी है कि भारत विच कि वंश आए सी ते दिल्ली ते जिन्होंने कब्जा कर लिया। सब तो पहला सलीब वंश आया सी, उस तो बाद खिलजी वंश आया, उस तो बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, तो उस तो बाद लास्ट विच लोधी वंश ने दिल्ली का सुल्तान बनाया सी, लोधी वंश का जिहड़ा सी उह। तो लोधी वंश के दौरान पंजाब के हालात की गल करिए, लोधी वंश का शुरुआत जिहड़ा बहलोल खान लोधी ने की सी, बहलोल खान लोधी ने पूरे भारत उत्ते कब्जा कर लिया सी, जिहड़ा पंजाब का हिस्सा सी उह उसने तातर खान नामक व्यक्ति नूं दे दिता सी। तातर खान नूं पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया। की होया, तातर खान ने विरोध कर दिता कि वह पूरे पंजाब नूं अपने अंडर लैण दी मंग करन लग गया, क्योंकि हुण उह चाहुंदा सी कि उह बहलोल खान लोधी दे अंडर ना रहे, पंजाब नूं भारत विच अलग करके पंजाब दा खुद राजा बन जावे। जदों तातर खान दी जिहड़ी विरोध दी खबर बहलोल खान लोधी तक पहुंची, तां बहलोल खान लोधी ने अपने पुत्र सिकंदर लोधी नूं तातर खान दे विरोध नूं दबाउण लई भेजा, ते सिकंदर लोधी ने तातर खान दे विरोध नूं दबा दित्ता ते लोधी वंश विच पंजाब नूं दोबारे फिर शामिल कर लिया। इस तों बाद की होया, सिकंदर लोधी दिल्ली दा राजा बनिया। जदों सिकंदर लोधी दे पिता बहलोल खान लोधी दी डैथ हो गई, तां सिकंदर लोधी जिहड़ा भारत दा पूरा हो राजा बनिया, अते तातर खान नूं पंजाब दा गवर्नर दे पद तों हटा दित्ता, अते उस दी जगह तातर खान दे मुंडे दौलत खान लोधी नूं पंजाब दा गवर्नर नियुक्त कर दित्ता। उस समय दौरान सिकंदर लोधी ने लुधियाना अते आगरा शहर की स्थापना की सी। सिकंदर लोधी की डैथ होने तो बाद उसका पुत्र जिहड़ा कि इब्राहिम लोधी पूरा दिल्ली सल्तनत पूरे भारत का राजा बनया। हुण दौलत खां अते इब्राहिम लोधी के विचकार तनाव हो गया, क्योंकि आपसी इन्हां दी बनदी नहीं सी। दौलत खां ने विरोध करके पंजाब का अद्धा हिस्सा अपने अंडर कर लिया। हुण दौलत खां अते उसका चाचा आलम खां ने बाबर नूं भारत विच बुलाया, मतलब दौलत खान नूं डर सीगा कि जिहड़ा ये इब्राहिम लोधी है यह पंजाब नूं दुबारी ना खोले, तो करके उसने बाबर की सहायता लेने की सोचा अते बाबर नूं कहा कि तुसीं भारत विच आओ ते इब्राहिम लोधी नूं हराओ ते वापस अपने अफगानिस्तान विच चले जाओ। पर बाबर की जिहड़ी नज़र सी उह पहलां तों ही भारत ते सी, ते बस उसनूं इक मौके की तलाश सी, ते मौका दौलत खान ने उहनूं दे दिता सी। इस तों बाद जदों इह गल दिल्ली दे सुल्तान इब्राहिम लोधी तक पहुँची, तो उसने दौलत खान नूं दिल्ली बुलाया, पर दौलत खान आप नहीं गया, उसने अपने बेटे दिलावर खान नूं दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी कोल भेज दिता। उत्थे दिलावर खान नूं कैद कर लिया गया। हुण की होया, इब्राहिम लोधी अते दौलत खान विच होर दुश्मनी पैदा हो गई, ते जिवें ही उसने कैद किया तां दौलत खान ने अपना एक लैटर भेज दिता बाबर कोल कि हुण आ जाओ तुसीं। इस तों बाद 1519 विच बाबर पहली बार पंजाब विच सियालकोट दे रास्ते हुंदे होए सैयदपुर अमनाबाद पहुँच गया। इस जगह ते ही बाबर अते गुरु नानक देव जी की मुलाकात पहली बार हुई सी। इस समय दौरान बाबर दे जनता ते जो भी जुल्म किए सन, बाबर ने जनता ते आम जनता ते जो भी जुल्म किए सी, लुट्टमार किए सी, गुरु नानक देव जी ने यह नोट किए गए अते बाबर बाणी विच इस नूं इनकलूड किया। बाबर की करता सी, लुट्टमार करता सी पंजाब विचों अते अपने अफगानिस्तान विच लै जांदा सी। इस तों बाद की होया, नवंबर 1525 ईस्वी विच दोबारा बाबर पंजाब विच आया अपने 12,000 सैनिकां नाल अते पंजाब विच काफ़ी लुट्टमार की। इस नाल की होया, दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर बनाया गया सी इब्राहिम लोधी द्वारा, उसनों बहुत बुरा लग्या अते बाबर दे अगेंस्ट उसने युद्ध छेड़ दिता गया। इस विच की होया, जिहड़ा दौलत खां सी उह बाबर दे हत्थों हारा गया अते मारा गया। दौलत खान नूं हराण तों बाद जिहड़ा बाबर सी अपने 12,000 सैनिकां नाल पानीपत विच ही कैंप लगा लिया ते उत्थे जाके बैठ गया। जदों इब्राहिम लोधी नूं इह गल पता लगी तां उह बाबर दे खिलाफ फौज तैयार की, कम तो कम 1,00,000 सैनिक ते 50,000 हाथी उस टाइम इब्राहिम लोधी कोल सी। अते हुण इब्राहिम लोधी इन्नी वड्डी फौज नूं लै के बाबर दे अगेंस्ट पानीपत की जगह ते युद्ध करन लई पहुँच गया। इस लड़ाई नूं पानीपत की पहली लड़ाई के नाम नाल जाणा जांदा है।
पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोधी के विचकार हुई सी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी। इस लड़ाई में बाबर की जित हुई और इब्राहिम लोधी मारा गया सी एंड बाबर का दिल्ली ते कब्जा हो गया सी। वीडियो में कमेंट करके मैनू दस दो कि जिहड़ी पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई सी ते किहदे किहदे विचकार हुई सी। हुण एक साइड ते तां इह सारे युद्ध चल रहे सी, पानीपत दे राजे महाराजे बन रहे सी, हार रहे सी, लड़ रहे सी, ते एक साइड ते अपने बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म जिहड़ा हो चुका सी ते उन्हां दी जिहड़ी क्रियावां सी उह वर्कशील हो रहीआं सी। हुण बाबर दा जिहड़ा दिल्ली दा राजा बन गया सी ते हुण आपां गल कर लईना गुरु नानक देव जी दा दौर सी, मतलब कि 1526 ईस्वी विच बाबर बन गया सी दिल्ली दा राजा ते उस तो पहले 1469 भी आया सी ते उह गुरु नानक देव जी का जन्म हो गया सी। उस टाइम बच्चे सी तां इनकलूड नहीं सी, अगे अगे जदों हुण जावांगे तां बाबर नाल भी इनकलूड हो जावे गुरु नानक देव जी का जिहड़ा दौर सी। ते सिक्कां दे पहले गुरु गुरु नानक देव जी की गल करिए तां जन्म भाई बाला जी की जन्म साखी के दौरान 1469 कारतिका पूर्णिमा विच होया सी, मतलब जिहड़ी भाई बाला जी ने जन्म साखी लिखी सी गुरु नानक देव जी की उस विच जन्म की डिटेल जिहड़ी 1469 कारतिका पूर्णिमा दसी हुई है। लेकिन पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म 13 अप्रैल 1469 ईस्वी विच होया सी। एग्जाम विच इह दोहे टाइप के क्वेश्चन तुहानू एग्जाम विच पुछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किवें बनेगा कि भाई बाला जी की जन्म साखी के दौरान अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया सी, जां क्वेश्चन बन सकता है पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया सी तां 13 अप्रैल 1469 ते भाई बाला जी के अनुसार सिर्फ 1469 ईस्वी कारतिका पूर्णिमा विच होया सी। ननकाणा साहिब के नाम नाल जानदे आ ते इह ननकाणा साहिब पाकिस्तान विच है। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी सी ते पिता का नाम मेहता कालू सी ते भैण का नाम जिहड़ा बेबी नानकी सी। आई थिंक दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ते बाकी अगे गुरु नानक देव जी बारे नॉर्मली डिटेल है तुहानू सारी इह पूरियां गल्लां पता होणगे मैनू श्योर है। बाकी नैक्सट वीडियो में आप अगे का पूरा सैशन कवर कर लेंगे एंड जे वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ते सबसक्राइब जरूर कर दो।